पहले हम लोग 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं जितना भी आज तक हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पीजीवीपी में देखा जाए सेक्शन 28 देखा था, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा देखा था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस ड्यूटी ड्रॉप एक कैश असिस्टेंस एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक the value of any benefit or perquisites whether convertible into money or not arising from business or profession or exercising of profession। fourth maine bataya tha any amount received or receivable by a person for not carrying out any business activity or profession non compete fees for not sharing any know how patent copyright franchise fees license agreement or such type of commercial rights any compensation due to or received by any person on account of termination or modification in terms of the contract relating to any indian company or other company termination or modification in terms of a contract relating to any indian firm or indian agency vesting of the management in favor of the government key man insurance policy bataya tha section 35 ad bataya tha fair market value of a stock convert at the time of the conversion into stock in capital asset trade or professionals bataya tha aur bataya tha any interest bonus commission or remuneration received or receivable by the partner from its partnership firm shall be charged to tax under that pgpp sare point ho gaye। हम लोगों ने सेक्शन 29 देखा था हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी। सेक्शन 30-43D के प्रोविजंस को फॉलो करो आपका पीजीबीपी निकल करके आपके हाथ में आ जाएगा। सेक्शन 30 मैंने बताया था बिल्डिंग अगर कोई है बिजनेस के लिए यूज हो रही है और उस पर रेवेन्यू नेचर के कोई खर्च हो रहे हैं 4 रिपेयर इंश्योरेंस टैक्स और रेंट ये 4 तो ये हमारे चले जाएंगे सेक्शन 30 में डिडक्शंस मिल जाएंगे। करंट रिपेयर की बात की गई है करंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पर्सनल नहीं होनी चाहिए कैपिटल नहीं होनी चाहिए बात करता हूँ। सेक्शन 31 कहता है प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सर अगर बिजनेस में यूज होते हैं और उससे रिलेटेड रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्च होता है तो सेक्शन 31 में अलाउ होंगे लेकिन रेंट और टैक्स अगर कोई खर्चा हो रहा है तो 31 उसको अलाउ नहीं करता। फर्नीचर फिक्सर और प्लांट एंड मशीनरी पर उसको कौन अलाउ करता है 37 कौन सा क्या गाना था गाना क्या था नॉनसेंस करेसेंस तो वो मैं हूं ना वाला था सेक्शन 37 की कंडीशंस थी। पहला 30-37 तक के 30-36 तक का डिडक्शन ना मिला हो रेवेन्यू नेचर का हो कैपिटल नेचर का ना हो पर्सनल नेचर का ना हो बिजनेस के लिए किया गया हो प्रीवियस ईयर में किया गया हो तो हमें 37 अलाउ कर देता है। उसके बाद हम लोगों ने कूदा था 32 में डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ द एसेट बाय यूजिंग द WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट बात का था। इसी सेक्शन 32 में ही मैंने बताया था कि हम लोग को डेप्रिसिएशन या तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है या तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए शर्त जो पूरी करनी थी जो जाते जाते मैंने बताया था कि इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 days ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर देन 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन शैल अप्लाई। यस और नो? इसके अलावा मैंने कुछ बताया था हाँ कैटेगरी ऑफ एसेट्स बताया था ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस द ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच द सेम विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ एसेट एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। अब सेम कैटेगरी ऑफ एसेट का मतलब देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। पहला बताया था बिल्डिंग, दूसरा बताया था फर्नीचर, तीसरा बताया था प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड टेंजिबल एसेट। शिप्स पर 20% और इंटेंजिबल एसेट पर 25% का डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर पर 10% का था, बिल्डिंग में याद होगा बिल्डिंग में मैंने कहा था 5% नॉर्मल अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो, 10% अदर बिजनेस पर्पसेस के लिए, नॉर्मल बिजनेस पर्पसेस के लिए, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए 40% बताया था, प्लांट के लिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट 15% बताया था, बुक्स और कंप्यूटर के लिए 40% बताया था। याद आया? एक चीज सुनो, आज तक आप लोगों ने ओनर का नाम सुना है, डीम्ड ओनर हाउस प्रॉपर्टी में सुना है,
आज एक और ओनर आप सुनने जा रहे हैं। कौन सा ओनर? हमें लगा फ्रैक्चर्ड ओनर, फ्रैक्शनल ओनर। क्या फ्रैक्शनल ओनर? क्या होता है फ्रैक्शनल्स? तुम लोगों ने देखा होगा इसको, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कहते हैं ना, हाँ है ना। तो इसका मतलब पूरी मालिकाना हक नहीं, उसका कुछ हिस्सा। कैसे? जरा देखो ढंग से। मैंने ये बिल्डिंग किराए पर ली, मान लेते हैं मैंने ये फ्लोर क्या किया, किराए पर लिया, ये दरवाजा है, और इस बिल्डिंग के ऊपर, इसके ऊपर एक और माला बनवा दिया मैंने। क्या ये बिल्डिंग मेरी है? क्या मैं इसका मालिक हूं? नहीं, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर तो मैंने बनवाया है। तो हाँ, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आई शैल बी ट्रीटेड एज एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस, नॉट फॉर द अदर्स। मैंने आपको कहा कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी है और उस पर कोई खर्च किया है तो गवर्नमेंट भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने से नहीं रोक सकती, बोला था ना। नो वन कैन स्टॉप यू टू टेक द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, बोला था ना। वही चीज, अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्च किया है, भले ही आप उसके मालिक नहीं हैं। मैंने क्या बोला? अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्च किया है, भले ही आप उसके मालिक नहीं हैं, तो भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा फ्रैक्शनल ओनर मानते हुए, उस हिस्से के लिए जितना आपने कैपिटल नेचर का खर्चा खुद किया है। तो जितने किराएदार लोग होते हैं, जाते हैं अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब समझ में आई बात? शोरूम्स वगैरह बनते हैं ना, बनते हैं नहीं बनते हैं? तो जो भी आप कैपिटल नेचर का खर्च करेंगे, यू आर वेरी मच अलाउड टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, इवन दो यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट यू हैव डन द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, चाहे बिल्डिंग पर हुआ हो चाहे फर्नीचर पर हुआ। चले, नया चीज समझ में आया ये? सेक्शन 32, मैंने आपको जाते जाते कहा था एक फॉर्मेट याद रखना है आपको, मैं दोबारा वो फॉर्मेट बना दे रहा हूं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। याद है वो फॉर्मेट? कॉपी बंद करो, कॉपी बंद कर लो, बंद करें तुरंत, और जिससे पूछेंगे वो बताएगा। जहां गलती होगी बताओगे ना? तो बोलो, तो हम तो वो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। ठीक है, माइनस है? ये क्या आ जाएगा?
ये आपका फॉर्मेट बताया था मैंने, मैंने कहा था इसके लिए कौन सा सेक्शन है एक्चुअल कॉस्ट के लिए और इसमें कितनी एक्सप्लेनेशंस हैं। मनी पेबल का मतलब मैंने बता दिया था। अच्छा, मैंने ये भी बता दिया था गुडविल पर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, हाँ या ना। ये सब चीजें चिंता मत करना, ये सब चीजें आएंगी डिटेल में। मैंने आप लोग को ये बता दिया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, और मैंने ये सारा कुछ बता दिया, लेकिन नॉट बीइंग गुडविल क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इसलिए ब्लॉक ऑफ एसेट में ये शामिल भी नहीं होता, ठीक है ना। इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। ये चीज जब नीचे आएगी 43 सब सेक्शन 6, उसको हम बता देंगे कैसे यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। क्या ये जरूरी है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें? मान लो आपके पास एसेट है 50 लाख की और आपको इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 5 लाख मिल जाना चाहिए, तो आपके पास एसेट कितने की बचती? अब आपकी इनकम क्या है, सुन लो इधर, आपकी इनकम है 2 लाख रुपए, क्या टैक्स लगेगा इस पर? नहीं, टैक्स इज जीरो, 2.5 लाख तक वैसे ही माफ है। अब 2 लाख रुपए की इनकम है, 4,50,000 का डेप्रिसिएशन है, यू डोंट वॉन्ट टू क्लेम दैट, इज इट कंपल्शन टू क्लेम, इज इट मैंडेटरी टू क्लेम? अगर आप क्लेम नहीं करते हैं डेप्रिसिएशन तो सरकार को आप चूना लगा सकते हैं। पूछो कैसे? अगले साल आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख। आप 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए, जबकि करना कितना चाहिए था? 4,50,000, लग गया ना चूना। मान लो ये इनकम है 8 लाख, अब 7.5 लाख, अब कितनी इनकम बची आपकी? अब फिर टैक्स जीरो हो गया। लेकिन अगर यही इनकम आपकी 7.5 थी और सही सही आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो तो सरकार को टैक्स तो बन जाता है अगले साल में। आपने क्लेम ना करके सरकार को चूना लगाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू कम हुई नहीं, अगले साल बड़ी हुई ब्लॉक ऑफ एसेट पर, बड़ी हुई WDB पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, क्योंकि पिछले साल तो आपने माइनस किया नहीं एसेट को, तो सरकार को चूना लगा नहीं लगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम नहीं भी करते हो, मान लिया जाएगा कि आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल चुका है, बाद में चीखते रहो चिल्लाते रहो। समझ में आई बात? डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द एसएससी वेदर और नॉट द एसएससी हैज क्लेम फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर या 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूरा फुल पूछ सकता है, बच्चे ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन की ओर। 50% वाला मैंने बता दिया आप लोगों को, डीम्ड बिल्डिंग अभी अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप बताया, अरे बताया या नहीं बताया? इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। डीम्ड बिल्डिंग या फ्रैक्शनल ओनर, ये सब बता चुके हैं। को ओनर कहाँ हुआ भाई? मैं इस बिल्डिंग में मान लो किराए की है, ऊपर मैं एक फ्लोर बनवा दूं और मालिक को कहूं अब आधा हिस्सा मेरा इसमें है, ये कौन सी बात होती है? को ओनर का मतलब क्या हुआ? जिसमें रजिस्टर्ड हो जिनके नाम से, को ओनर नहीं हुआ, ये फ्रैक्शनल ओनर है। मैंने आपको ये भी बात कहा था एसेट एक्चुअल में यूज होना जरूरी नहीं है, पैसिव यूज हो तो भी मान लेंगे, वो यही बोल रहा है। सुनते जाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, खत्म होने वाले हैं। अगर मैंने कोई एसेट लीज पर ली है, मैं लेजी हूं, सामने वाला लेजर है जिसकी प्रॉपर्टी है, तो बताओ डेप्रिसिएशन कौन अवेल करेगा, मैं या वो? वो पूछो क्यों, हम जान रहे थे। AS-19 को दरकिनार कर दो,
जो एसेट का मालिक है, मालिक तो वही है, उसी को डेप्रिसिएशन मिलेगा। पूछो क्यों? हायर परचेस की बात मैं नहीं कर रहा, सुन लो। हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जो एसेट ट्रांसफर होती है उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके होते हैं। मेरी बात नहीं समझे? मैंने अगर कोई एसेट, आप टीवी लेने गए दुकानदार के पास, 1 लाख रुपए की टीवी निकलवाई और घर पे ले गए हायर परचेज पर, किस्त देंगे आप? टीवी किसकी? हायर परचेज है उसकी टीवी, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहे। काहे को भूल जा रहे हो बार बार? जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देंगे तब तक आपकी टीवी नहीं बनेगी। लेकिन एक्चुअल में यूज कौन कर रहा है? हम। तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। वो तो एक ऑब्लिगेशन बनाया गया है। ये क्यों मान लें कि हम लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट नहीं करेंगे? अब बात समझ में आई? क्लियर है? एक तरह से लोन की फैसिलिटी हो गई। लेकिन लीज्ड एसेट्स की बात दूसरी है। हम वहां हायर परचेज को शामिल नहीं करें। हायर परचेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लीज्ड एसेट्स। या हायर परचेज अलग है और लीज्ड एसेट्स अलग है। लीज्ड एसेट्स, अगर आप कोई किराए पर एसेट लेते हैं, शमियाने से आपने फर्नीचर लिया, किराए पर लिया ना, तो उस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? है इन्वेंट्री के हिसाब से। 2 मिनट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लेना। फर्नीचर तो एक केस हो गया, हमारे पास एक एसेट पड़ी हुई है, प्लांट पड़ा हुआ है 50 लाख का, मैंने किसी को किराए पर दे दिया, तो जिसका है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ना, जो मालिक है। वो तो बिजनेस के तौर पर हमको किराए पर दे रहा है ना, तो किराया मेरे लिए खर्चा हो गया, मैं किराए का भी छूट लूंगा, उसी एसेट का डेप्रिसिएशन का भी लूंगा। वाह भाई वाह, कैसे इंसान हो तुम लोग, नहीं समझे? इस बिल्डिंग का मालिक मैं नहीं हूं, मैं किराए को भी माइनस करूंगा और डेप्रिसिएशन को भी माइनस करूंगा। अजीब नहीं लग रहा तुम लोगों को कि गरीब लग रहा है? मतलब अजीबो गरीब लग रहा है? समझ में आई बात? ये बिल्डिंग मेरी नहीं है तो मैं किराया दे रहा हूं, तो मुझे किसका डिडक्शन मिलेगा? किराए का। हाँ या ना, डेप्रिसिएशन भी मांग लूं, तो ये कौन सी बात होती है? किराया इसीलिए दे रहा हूं ना क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। किराया क्यों दे रहा हूं? नहीं है। तो यहां पर AS 19 को भगा देना इनकम टैक्स में। ये छोड़ देते हैं, जो शेडेड एरिया है इसको छोड़ देते हैं, ये जब आएगा क्वेश्चन उस समय हम देखेंगे, ठीक है ना? अभी बीमार होने से कोई फायदा? तो दो चीजों की बीमारी हमने अभी टाली है, एक ये और एक ये, बोलो। बाकी सब ऊपर वाला करवा दिया, ये भी बीमारी अभी छोड़ दो। सुने, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड व्हेन एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज। अकाउंट नहीं है ये, वहां क्या था लेकिन यहां क्या है? एक बार एसेट पुट टू यूज हो गई, फिर अगले साल आप नहीं कह सकते अरे यूज किया ही नहीं। अरे भैया वो यूज हो रही है, पुट टू यूज हो चुकी है। बात समझ में आई? बताया था अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट 5,000 से नीचे भी है तो भी आपकी मर्जी है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कंपनी लॉ में प्रोविजन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी। मैंने ये आप लोगों को बताया था 10 में कि एसेट की मैटेरियलिटी को आप देखेंगे, क्या हम उसको एसेट माने या पीएल में राइट ऑफ कर दें, बताया था। आया ना? कंपनी लॉ में भी आप यही देखते हैं, 5,000 रुपए तक की कोई एसेट है, आपकी मर्जी है कि आप उसको एसेट मानो या पीएल में ही ले जाओ, क्योंकि छोटी मोटी एसेट को बैलेंस शीट में ले जाने से क्या फायदा। तो यहां पर कहता है अगर 5,000 से नीचे के भी एसेट है तो भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? चले आगे। रिवैल्यूएशन बता दिया था अलाउड नहीं होता। कंप्यूटर एसेसरीज पर 40%, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, यूपीएस हो, सर्वर हो, वो सब 40% की कैटेगरी में आएंगे, जो कि कंप्यूटर के साथ मिल करके काम कर सकते हैं, बिना कंप्यूटर के काम नहीं कर सकते, हम उनकी बात कर रहे हैं।
स्कैनर के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है, प्रिंटर के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है, यूपीएस के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है, कीबोर्ड के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है, हाँ या ना, सर्वर के लिए कंप्यूटर होना जरूरी है। तो जो कंप्यूटर के साथ अटैच जो चीजें होती हैं उनको 40% का ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जब हमने बात की थी डेप्रिसिएशन रेट, तो मैंने आया कि नहीं आया, अभी अभी आया नहीं ना, नहीं अब आया, ठीक है, हम छोटे नहीं है, छूटा नहीं आगे है, ठीक है ना। जब हम फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन रेट कितना मिलता है? लेकिन 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 इस फिटिंग्स में हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी शामिल होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में एक होता है फिक्सचर, एक होता है फिटिंग्स, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? एक होता है फिक्सचर, सुना तो होगा लेकिन डाउट तो हो रहा होगा, और एक होता है फिटिंग। सिनेमा हॉल में जाते हो, वहां फर्नीचर होता है जिस पर बैठते हो, वो फर्नीचर फिक्सचर होता है या बिना फिक्सचर के होता है? मतलब जहां किया सीट उठाई हम तो यहां बैठेंगे, हाँ फिक्स रहता है कि नहीं? वो फिक्स रहता है, जो सीट जहां है वही यहां रहेगी, हिलेगी नहीं, उसको कहते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स ऑडिटोरियम में, बड़े बड़े कॉलेजेस में देखो तो सीट्स क्या होती हैं, फिक्स रहती हैं। ये जहां तुम लोग भी बैठे हो तो तुम लोग नॉर्मली इसको कहीं इधर उधर नहीं मूवमेंट कर सकते, लेकिन फिक्स नहीं है, ये हैवी है, सब अटैच्ड हैं लेकिन फिक्स नहीं है, जमीन के साथ अटैच नहीं है, बस। अब बात समझ में आई? तो इसको हम फिक्सचर नहीं बोलेंगे, ये फर्नीचर है केवल। लेकिन अगर इसको जमीन के साथ हम अटैच कर दें फास्टनर लगा करके तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और फिटिंग्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। दोनों में फर्क समझ में आएगा? तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स एंड फैंस एक्सेट्रा। पंखा प्लांट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब कह देना कंप्यूटर भी प्लांट नहीं, ऐसा नहीं, वो कंप्यूटर प्लांट की ही कैटेगरी में जाएगा, हम नॉर्मल फर्नीचर और फिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था एक और कैटेगरी आएगी डेप्रिसिएशन की, जब आ ही गया है तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड 40% का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, ये हमने बता दिया, ये हमने बता दिया, बुक्स बता दिया, शिप बता दिया, मोटर बस मैंने कहा था, व्हीकल को याद रखना 30% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, बस ना। जो मैंने वहां कैटेगरीज बताई थी, मैंने कहा था व्हीकल आएगा तो कितना है 30% कितना है, और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स कितना है 40%। जैसे कंप्यूटर है बुक्स है वैसे ही पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है, जैसे बुक्स है कंप्यूटर है वैसे ही पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है 40% की कैटेगरी में। मोटर व्हीकल पर 30% का डेप्रिसिएशन मिलता है, याद रहेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक कर ली। सेक्शन 38, सेक्शन 37 बता चुके हैं, ये सब जो चीजें नहीं पढ़ा रहे हैं ना, टेंशन ना लेना, बिल्कुल दिमाग मत दौड़ाना, अभी क्वेश्चन होते होते सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बीमारी कर देगा अगर अभी हम बताएंगे तो तुम लोग का दिमाग हिलने जाएगा, अंदर से आवाज आएगी गड़बड़ 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 नहीं गड़बड़ गड़बड़। सेक्शन 38, अगर कोई एसेट है जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, हम ये कंप्यूटर यहां भी यूज करते हैं ना, घर पे भी यूज करते हैं, घर पे भी मूवीज देखते हैं इस पर, यहां पर तुम लोग को पढ़ाते हैं घर पे, क्या बोला है, गाना सुनते हैं, अच्छा। अभी बता रहे, चिंता ना करो, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले हम इंपॉर्टेंट चीज खत्म कर लें, नहीं तो बीच में गड़बड़ हो जाएगा। सुन लो, सेक्शन 38, अगर कोई एसेट पार्टली ऑफिस में, पार्टली बिजनेस में, और पार्टली घर पे पर्सनल यूज हो रही है, चाहे बिल्डिंग हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, तो कहा गया उस पर डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कम हो जाएगा, जितना बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं केवल उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर्सनल पर्पस का हिस्सा आप अलग कर लेंगे। अगर आपको लगता है आधा आधा,
तो जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसका आधा आधा। अगर आपको लगता है 60% हम घर में यूज करते हैं तो 60% डेप्रिसिएशन आप डिसअलाउड कर देंगे, 40% ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अलाउड करेंगे। लेकिन सरकार को फिर बेवकूफ बना सकते हो। पूछो जरा पूछो कैसे। ये ईयर वन, ये ईयर टू, विश्वास मानो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ गए ना छोटे छोटे, ध्यान नहीं देता है बच्चा, और एग्जाम में आ गए, किताब में मिलेगा भी नहीं क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन जरा देखो। मान लो एक कंप्यूटर है, 1 लाख रुपए का मैंने खरीदा, इस पर मैंने डेप्रिसिएशन लेना था 40,000, और बचा कितना। अगर ये कंप्यूटर आधा घर के लिए है तो कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, आधा 20,000, पक्का ना, पूरा नहीं मिलेगा। तब कितना मिलेगा ईयर टू में, कितना मिलेगा, कितना आ जाएगा। अरे SLM मेथड नहीं लगाना है, 40% WDP मेथड लगाना है रे। 16,000 हो गया, बोलो ना, पूरा नहीं मिलेगा। और यही तुम लोग गलती कर दोगे और सारे बच्चे यही करेंगे, यही नौटंकी करो बेटा। पूछो कैसे। अगर हमने इसको पूरा बिजनेस में यूज किया होता तो ईयर टू में डेप्रिसिएशन तो यूज हो गया ना, एसेट की वैल्यू तो गिर गई ना, भले ही मैंने घर पे यूज किया हो। नहीं समझे, एक्चुअल में असल में 60,000 अगले साल वैल्यू आनी चाहिए और 24,000 का डेप्रिसिएशन अगले साल मिलना चाहिए, बचा कितना। लेकिन डेप्रिसिएशन जब हम क्लेम करेंगे केवल 20,000, क्लोजिंग WDV पर उसका इंपैक्ट नहीं आने देंगे। नहीं तो अगले साल हमको डेप्रिसिएशन कितना मिल रहा है सोचो, जहां मिलना चाहिए 12,000 हम वहां अवेल कर रहे हैं 16,000, गलत कर दिया ना, है कि नहीं। नहीं समझ में आएगा, एसेट की वैल्यू एक्चुअल में तुम यहां यूज करो या घर पे यूज करो, गिर गई या नहीं गिर गई, तो उस गिरी हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकलेगा ना। तुम लोग ये क्यों मान रहे हो केवल ऑफिस में ही यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगता है, घर पे यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये किसने बोल दिया। घर पे भी एसेट यूज कर रहे हो तो गिर तो रही है वैल्यू ना, तो एसेट को पूरी तरह से गिरा लो, फिर अगले साल उसको ओपनिंग वैल्यू ले जाओ, है कि नहीं। तो हाँ, डेप्रिसिएशन जब क्लेम करेंगे यू कांट अवेल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹40,000, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% व्हिच यू यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस ओनली। खर्चा आपका 40,000 हो गया लेकिन उसमें 20,000 ही बिजनेस के लिए है, 20,000 बिजनेस के लिए नहीं है। अब समझ में आई बात, खर्चा आपका 40,000 हो गया लेकिन उसमें 20,000 बिजनेस के लिए, जिसका आप डिडक्शन लेंगे और 20,000 का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अगले साल का खर्चा 24,000 हो गया जिसमें से 12,000 का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे, 12,000 का नहीं कर पाएंगे। वैल्यू एसेट की तो गिर ही रही है ना, उसको क्यों रोक लोगे। घर पे कंप्यूटर 10 साल से चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ क्या। तो हो गया ये सब, ये फॉर्मेट बता दिया, ये आएगा तब बताएंगे, मौका मिलेगा तो बता दे। अब आते हैं उस घड़ी की बात करते हैं जिसको हमें करना था। या तो हम आपको सॉल्यूशन अलग अलग क्वेश्चन खुद बनाएं, या तो हम इसी एक क्वेश्चन को बेस लेकर के चलें, खत्म करें इसी क्वेश्चन को ले चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग को हिलाने में काम आएगा। मैंने कहा था शुरू के 4-5 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जैसे मैं गलत पढ़ा रहा हूं, बोला था ना, लेकिन उसके बाद आपका दिमाग यूज टू हो जाएगा, फिर लगेगा कि यही सही है, है? हाँ, उसके बाद कुछ नहीं। चला देखें क्या है। हम पहले एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं ताकि हमें बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत ना पड़े, उसको पहले कॉपी पे बात नहीं।
हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन को अभी भूल जा रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। ये आपका फॉर्मेट है, लेकिन इस फॉर्मेट पर चलने के पहले हम आपको एक और चीज बता दें, एक क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करके बताओ, ठीक है? हम मान ले रहे हैं, है नहीं रेट, कोई 40% वाला रेट नहीं है फर्नीचर में, लेकिन तुम लोग को फंसाने की इतनी देर दे रहे हैं, ठीक है? जवाब दो। नहीं बताओगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे, उसको बोलने दो, तुमसे क्या लेना देना हर किसी के काम में क्या हो। आप बताओ जल्दी। अरे वाह, ये बच्ची है, पढ़ो करो करो करो, चुपचाप करो, हम भी देखें। बिल्कुल सही जा रही है। ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए क्या डेफिनेशन बताई थी? सेम कैटेगरी एंड सेम। अब वो तुम लोग बताओ, हमारे पास 10% की कौन कौन सी एसेट्स हैं? ये बस ना, इसके लिए कितने ब्लॉक बनेंगे? इसके लिए कितने ब्लॉक बनेंगे 10% वाले के लिए? दो, क्योंकि अलग कैटेगरीज हैं। पहला, ये दो ब्लॉक बन गए, ये एक, इसका एक। अच्छा, ये पांच है, अच्छा एक और है क्या? दस। ये दोनों मिलाकर एक ब्लॉक में बनेंगे, ये दोनों मिलाकर ब्लॉक नंबर वन। इसको हम लिख दें ब्लॉक नंबर वन। ये बन जाएगा ब्लॉक टू, किस रेट वाला? और ये किस रेट वाला? ये किस है कैटेगरी में बनेंगे? अच्छा, अब आते हैं प्लांट। इसमें ब्लॉक बनेगा थ्री, इसको तुम लोग वन ले लो, इसको टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लो थ्री। 15% वाला और 15% वाला, डी एंड जी मिलाकर के 15% वाला एक बनेगा। ब्लॉक फोर, 30-40% वाला ई और एफ, ये 40% वाला एक ब्लॉक बन जाएगा। बोलो, ये एक ब्लॉक ऑफ एसेट हो गई, इसके लिए एक बन जाएगा 30% के लिए।
समझ में आई बात। इसके लिए फर्नीचर के लिए अलग कैटेगरी हो गई, इसमें दो ब्लॉक बनेंगे, ब्लॉक 6 एंड ब्लॉक 7, एम एंड एंड। ये बनेगा 10% वाला, ये ब्लॉक्स बनेंगे। अब समझ में आ रही बात, ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। सही बोला था, 7 ब्लॉक। समझ में आई बात, नोट कर लो। अभी सब गड़बड़ होने वाला है 2 मिनट के अंदर। चले, इस फॉर्मेट को हम कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि 8-10 क्वेश्चन लगातार होते चले जाएंगे इसी फॉर्मेट पर। देखिए कहता क्या है, सुन ले। मेसर्स अनीता एंटरप्राइजेस हैज WDV इन फर्नीचर ब्लॉक 10% वाला 1/4/23 को 80,000 था। तो 1/4/23 को 80,000 था, 10% वाला फर्नीचर बोलो, पक्का? कहता है द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू फर्नीचर एक्स एंड वाई। इसमें कितने फर्नीचर हैं? दो अलग अलग फर्नीचर थे। डेप्रिसिएशन क्लेम करो, केस नंबर ए, फर्नीचर एक्स बेच दिया 1 मई को 20,000 में। खरीदा क्या कोई फर्नीचर? कुछ नहीं। बेचा क्या कोई फर्नीचर? हां, कौन सा वाला, कितने में? तो जब कोई फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर के बेचने पर क्या निकाला जाता है? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर था कितने का और मुझे डेप्रिसिएशन कितना लेना है? 80,000। कितना? मुझे इससे क्या मतलब कि उसमें एक फर्नीचर है या दो है या तीन है या चार है? मैंने एक्स और वाई एक ही, मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना है 80,000। अगर हमें रिकवरी हो गई 20,000 की, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है 60,000 का। सर ये भी तो हो सकता है कि ये 10,000 का फर्नीचर बचा हुआ हो वाई, और 70,000 वाला फर्नीचर था एक्स, उसको बेचा गया 20,000 में। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। टोटल 80,000 था, उसमें 70,000 फर्नीचर एक्स का हो, नहीं हो सकता। उसको बेच दिया मैंने 20,000 में, तो क्या कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं निकलता, ये अकाउंट नहीं है। कहा गया कि अब फर्नीचर वाई अकेले 60,000 का मान लिया जाएगा, भले वो 10,000 का दिख रहा है। अरे अब फर्नीचर एक्स वाई की कीमत कितनी हो गई? 60,000 है? क्या बोला, क्या कह रहा है? सोच कर बोलिए। आगे आओ, थोड़ा चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। हमने कहा ना दिमाग थोड़ा हिलेगा।
वो तो शुरू हो ही गया है कि नहीं? ये अकाउंट्स नहीं है। यहाँ ब्लॉक ऑफ सिस्टम का मतलब है एक एसेट बन जाती है, मुट्ठी में आ जाती है, जितनी भी एसेट से एक ब्लॉक में एक जगह बन गई। अब हमें इतना डेप्रिसिएशन लेना है, एंड द गवर्नमेंट क्लियरली सेज नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ यू हैव एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। इफ यू हैव इनकर्ड एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर नो वन कैन स्टॉप यू टू टेक द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन वेदर योर बिजनेस इज देयर और नॉट। ओ, मैंने क्या बोला? ओ, चाहे आपका बिजनेस हो या ना हो, यू विल गेट द बेनिफिट, किसी भी तरीके से मिलेगा जरूर बेनिफिट, चाहे वो डेप्रिसिएशन का नाम दो चाहे ना दो। सुन लो पहले, तो हमारे पास 80,000 की एसेट्स थी, दो एक्स और वाई, अब उनकी वैल्यू कितनी है उसमें वी आर नॉट कंसर्न विद दैट ना। हम मान लेते हैं एक ही फर्नीचर, क्या कर रहे हो तुम लोग, 80,000 का एक ही फर्नीचर है, उसमें से 20,000 निकल गया। अभी ब्लॉक जिंदा है या मर गया? फर्नीचर बचा हुआ है या है ही नहीं? अभी भी है। तो हम मान लेंगे वो पूरी वैल्यू उसी बचे हुए फर्नीचर की है, मान लेंगे कि वो पूरी वैल्यू उसी फर्नीचर की। तो अब 60,000 वाई का मानते हुए डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 10%, कितना हो जाएगा? 10%। ये हुआ पहला आंसर। ये हुआ केस ए। भी और धमाके होने बाकी हैं है कि नहीं? स्टार्ट करें आगे। कहता है फर्नीचर एक्स 1 लाख रुपए में बेच दिया गया। छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको। फर्नीचर एक्स खरीदा, इसीलिए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं लाइन से, हम अपने ही करवाते हैं, ठीक है ना? क्यों? हम अपना ही बना बना कर करवा रहे, बाद में तुम लोग ये तुरंत कर लोगे, फटफट फटफट होता आ जाएगा, इसने नीचे ऊपर किया हुआ है सब। इसी क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, 1/4/2023 को ओपनिंग WDV है फर्नीचर की, जिसमें दो फर्नीचर शामिल हैं एक्स एंड वाई। 80,000 का था ना? 80,000 का। 1 अगस्त 2023 को न्यू फर्नीचर जेड परचेस्ड 40,000 रुपए में, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास 1/4/2023 में कितने फर्नीचर थे एक्स एंड, ये केवल लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं एक्स एंड वाई, केवल समझाने के लिए, अदरवाइज ये लिखा नहीं जाता। कितने का था? हमने नया फर्नीचर खरीदा है क्या कोई? तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ना, कौन सा, कितने रुपए वाला। तो कोई बेचा है क्या, टोटल वैल्यू कितने की हो गई। अब इस 1,20,000 पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ढंग से सुनना कैसे, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना। पहले डेप्रिसिएशन हमेशा न्यू पर चार्ज करना, फिर ओल्ड पर चार्ज करना, जैसे कर रहे वैसे ही करना, गलत नहीं होगा। अब हमारे पास न्यू कितने का था और ओल्ड कितने का था, मोर देन 180 डेज है या नहीं ये देखना है, सॉरी 180 डेज और मोर, सॉरी 180 डेज और मोर। बताओ कब खरीदा था,
अगस्त में हाँ 180 दिन से ज्यादा हो गया तो ये पूरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ या ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 का 10% का पूरा, और इस 80,000 का भी पूरा 10%, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना, 12,000। हम यहां लिख देंगे 12,000, नोट कर लें इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, इसको नोट करते जाएं, किताब में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे, बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, जल्दी करो। करें सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओपनिंग WDV है 1/4/2023 को, एक्स एंड वाई की 80,000, न्यू फर्नीचर परचेस्ड ऑन 31 दिसंबर 2023 को 20,000 का, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन देखो, देखें ओपनिंग WDV कितने की थी, नया फर्नीचर कितने का, कुछ बेचा है क्या, हटा दें, टोटल कितना, इस पर डेप्रिसिएशन निकालें, एक लाख की एसेट है, दो पार्ट में ले लो, न्यू एंड न्यू कितने का, ओल्ड कितने का। अच्छा जो न्यू है लेस देन वन, लेस 180 डेज और मोर है क्या, नो लेस देन 180 डेज है, इसका मतलब 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, हाँ या ना। बोलते क्यों नहीं, 20,000 का 10% का आधा ले लो, 1,000, क्या दिक्कत आ रही है भाई, एसेट कब खरीदी है, 90 दिन ही तो यूज हुआ है, तो इसमें बीमार क्यों हो रहे हो, ठीक। और ये है पुरानी एसेट, तो साल भर यूज हुई होगी, 80,000 का 10%, 8,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, तुम लोग असल में इसी का 40,000 उठाकर लगा दिए थे, ढेर दिमाग लगा रहे थे। नोट कर लो 10,000, तो तुरंत पहले ही बोल दिया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ओपनिंग WDV 1/4/2023 को, फर्नीचर है ना, सारे फर्नीचर के केसेस हैं याद रखना, फर्नीचर इसीलिए लिए हैं क्योंकि इसमें एक ही रेट चलता है। ओपनिंग WDV 80,000 ऑन 1 अगस्त 2023 को फर्नीचर एक्स सोल्ड 50,000, और ओपनिंग WDV ऑफ एक्स 30,000। अच्छा ऑन 1 दिसंबर 2023 को फर्नीचर जेड परचेस्ड 80,000, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन देखें,
हमारे पास ओपनिंग WDP एक्स वाई की कितनी थी? 80,000। अच्छा, पहले फर्नीचर बेच दिया है, अगस्त में बेचा है, तो क्या करें, इसको कहां लिखें और इसको, अरे बोलो ना, फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते, दिमाग में बात बैठा लेना। डेट पहले खरीदने और बेचने की हो इससे कोई फर्क, इसी फॉर्मेट में चलना है हमको। पहले जोड़ेंगे जो आया है, उसके बाद माइनस करेंगे। तो जो खरीदा है जरा उसको देखो, कितने का खरीदा है, 80,000। जेड खरीदा है ना, कब खरीदा है, 1 दिसंबर 23। अच्छा, बेचा है हमने 50,000 में, किसको, उसकी ओपनिंग WDP कितनी थी, लॉस कितना हुआ, कितना माइनस करें हैं, एक्स को बेचा है 50,000 में, सेल किया है 50,000 में, जबकि ओपनिंग WDV उसकी अगर होती तो कितने की होती, तो क्या करें, कितना माइनस करें, 20,000। सोचना क्या है यहां पर, इंडिविजुअल एसेट का कंसेप्ट तो है ही नहीं, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ भाड़ में जाए, सीधे सीधे 50,000 माइनस कर दो, बताओ 1,60 में से 50 के कितना बचा। अब सुनो, इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 1,10,000 पर निकालना है, दो पार्ट में तोड़ोगे, कौन कौन, हमेशा उल्टा बोलोगे, न्यू पहले ओल्ड बाद में, न्यू कितने का था, न्यू कितने का है, 80, तो उसको यहां अलग कर लो, और बाकी कितना बचा, माइनस कर लो 1,10 में से। सिंपल है भाई, ये मत सोचो एक्स का वाई का जेड का, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, उसमें क्या दिख रहा है तुमको, तो इधर देखो, ठीक है। अब बताओ 80,000 जो है ये 180 डेज और मोर है क्या, देखना पड़ेगा। ये 180 दिन से कम है, नो, तो 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन 80,000 का 10% का आधा 4,000, अरे बोलो ना, और इसका पूरा ले लो 30,000 का 10%। सेठ जी इधर ध्यान दें, कॉपी पर मत दें, घर पे देंगे क्या, कॉपी पर ध्यान, ठीक है ना, कितना हुआ टोटल, अजीब लग रहा होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, थोड़ी देर लगेगा, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। चले आगे, अब ये क्वेश्चन सिस्टमैटिक है, किताब वाला देखते तो क्या होता, नीचे ऊपर होता, हमको कंसेप्ट बताने में दिक्कत होती, समझ में आ रहा है। हमें एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं, हम ब्लॉक एक मुट्ठी बन करके काम कर रहे हैं। 80,000 की एसेट थी, 50,000 में बिक गई, बची कितनी एसेट, 30,000 पुरानी, बात खत्म, बात खत्म हो। चलें क्वेश्चन नंबर 4, डेट ऑफ परचेज क्या, डेट ऑफ सेल क्या, उससे हमारा फॉर्म चेंज नहीं होगा।
रोना आएगा, देखो विश्वास मानो दिमाग हिलने वाला है, जो सही जवाब दे देगा उसको मेरी ओर से 10,000 का इनाम। अच्छा जहां पैसे की बात आई सबकी पेन उड़ गई। ढंग से सोचना, 2 मिनट गौर जरूर करना क्वेश्चन के पॉइंट्स पर, हमने कब किस डेट में क्या क्या लिखा है वो ध्यान जरूर देना। हाँ दोनों बेच दिया। हमें कुछ नहीं मालूम। अब 10,000 रुपए लेने हैं एसेट है ही 40-50 हजार की, तो 95,000 कहाँ से आ जाएगा? 60 हजार की एसेट में 90 हजार का डेप्रिसिएशन कैसे दे सकते हैं? गलत हो गया, आउट। चलें आगे। हाँ कोशिश करो, हो सकता है गलती से ही सही जवाब दे दो। वो पॉसिबल नहीं है, हम दांव ऐसा खेलते ही नहीं है। वो तुम लोग सोचो ना, हमें आंसर दो बस। हमें कुछ नहीं मालूम, एक बार डिस्क्वालिफाई हो गए मल्टीपल आंसर्स नहीं दे सकते ना। बोलो भाई तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? 10% है, फर्नीचर है ना, शुरू से ही तो वही चल रहा है। हम करें कितना बोले हो? अब हमें नहीं मालूम। नहीं 10 आंसर थोड़ी देने हैं क्या? क्या हमें क्या? मेरी मुंडी हिलाने से तुम लोग कहेंगे। देखो इधर देखो, ओपनिंग कितने की थी? 50,000 में एसेट बेच दिया, कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? 1 मई के बाद कुछ एसेट बची क्या मेरे पास? एक्स और वाई दो थे, दोनों बिक गए। हम लोग जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, वो हमेशा साल के अंत में देखते हैं कि ब्लॉक बचा है या मर गया। मैं क्या बोला? साल के बीच में देखने की कोशिश और हिमाकत करते क्यों हो कि बीच में क्या हुआ? अरे भैया छोड़ो, 31 मार्च 2024 को क्या तुम्हारे पास कोई एसेट थी इस ब्लॉक में? क्या 1 अप्रैल 2023 को फर्नीचर नाम की कोई चीज थी? आप कहेंगे हाँ थी। क्या 31 मार्च 2024 को फर्नीचर नाम का ब्लॉक में कोई एसेट था? आप कहेंगे हाँ था। इसका मतलब ब्लॉक जिंदा है, जिंदा हूं मैं। अब कहोगे सर मर जाता तो क्या होता? उसके लिए बाद में बात करेंगे, पहले तो ये देखें कि ब्लॉक जिंदा है
और केवल ईयर एंड में हम लोग सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें या ना करें, करें तो कितना करें, कब सोचते हैं? साल के बीच में। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, साल के बीच में हमें कभी कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। जब भी हम टेंशन लेंगे साल के अंत में लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब हमारे पास एसेट थी 80,000, 50,000 में गई, और एक और एसेट आ गई 30,000 की। कितने की? कितने रुपए की? किस नाम से? जेड। बिका कौन कौन सा था? एक्स और वाई। अभी भी ब्लॉक में बचा हुआ है एसेट कौन सा? 31 मार्च को जेड बचा हुआ है। कितने का मालूम है? कितने का मालूम है? हमारे पास एसेट कितनी थी? 80, 50 में बिक गई दोनों। 80 की दो एसेट थी, दोनों 50 में बिक गई। अरे 50 में बिक गई तो कह सकते हो ना प्रॉफिट या लॉस हुआ? नहीं, अभी नहीं, साल के अंत में देखेंगे। 30,000 की और एसेट आ गई। क्या अब तुम ये बोल सकते हो कि हमारे पास 60,000 रुपए की एसेट बाकी है, और वो भी केवल जेड बाकी है? चलो यहां तक थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली दे देते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे न्यू में कितना कितना ये है सही। हमारे पास एसेट नहीं है ओल्ड, मैंने कहा ना दिमाग हिलेगा। तुम लोग बार बार असल में अकाउंट्स पर चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो अटैच हो जा रहा है। हाँ मजाक नहीं, हो रहा है तभी तुम लोग इस चीज। भाई हमें क्या चाहिए? हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, वी वॉन्ट डेप्रिसिएशन। हमें लगा जस्टिस बोलोगे। वी वॉन्ट डेप्रिसिएशन, हमें केवल डेप्रिसिएशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन ले लो ना, कैसे भी लो, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम ये लॉस दिखा देते 30,000 का, तो ये कहां जाकर डेबिट होता पीएल में? तो गवर्नमेंट एक ही बार में तुम्हें 30,000 दे देती। गवर्नमेंट कहती है काहे के लिए एक बार में, पारी पारा लेते जाओ धीरे धीरे। एसेट जिंदा है ना, ब्लॉक जिंदा है ना, तो ऐसे धीरे धीरे हर हर साल इसका 20%, 10%, 3,000 करके लेते जाओ डेप्रिसिएशन। हमें क्या प्रॉब्लम है? तुम एक बार में 30,000 का लॉस ना लेकर के, अगर ब्लॉक जिंदा है तो 3,000 करके लेते जाओ, पुराना मानते हो, हमें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली यू विल गेट द डेबिट ऑफ द कंप्लीट 30,000 लॉस, चाहे डेप्रिसिएशन के नाम पे, चाहे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के नाम पे। अकाउंट होता तो 30,000 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के नाम से डेबिट हो गया होता, डेप्रिसिएशन है तो हर साल 3,000 डेबिट होता रहेगा। अल्टीमेटली अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अकाउंट्स की बात करो तो। अदरवाइज कॉम्प्यूटेशन पर्पस के हिसाब से, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसको ओल्ड मान लेंगे। एसेट बची नहीं है, ब्लॉक जिंदा है, उसको दो पार्ट में बांटेंगे, न्यू एंड ओल्ड। न्यू की वैल्यू हमें मालूम है 30,000। क्या ये लेस देन या 180 डेज और मोर है क्या? नो no. तो 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो 30,000 का 10% का आधा कितना हो गया? और ये पुरानी एसेट्स बची हुई हैं, भले एक्चुअल में ना बची हो फिजिकली, तो इस पर यू विल अलाउ डेप्रिसिएशन 3,000। किसी का ये आंसर नहीं आया था? आया था, बताया तो नहीं था ना, बच गया मेरा 10,000 रुपये। नहीं चाहिए, अंगूर खट्टे हैं, बताना चाहिए था। डाउट है ना? है ना? फिर वही बात, क्या हम यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिख सकते हैं? पहली बात तो नहीं। क्या इस 60,000 से एग्री करते हो? हाँ। हमने कहा हमें नाम से कोई पड़ता है क्या? नहीं, तो बार बार नाम पर ही क्यों जा रहे हो? ये कहो ना 60,000 की एसेट बची हुई है जिस पर हमें डेप्रिसिएशन अवेल करना है। अब इसमें से नई कितनी है? वी नो वेरी वेल नई कितनी है, इसका मतलब बाकी जो बची वो
पुरानी है, ले लो डेप्रिसिएशन, बात खत्म, सिंपल है। नाम में क्यों जाते हो एक्स एफ आई है जेड से, नाम में ही तो रखा है, लेकिन नाम में यहां कुछ नहीं रखा डेप्रिसिएशन, समझे मेरी बात। तो ये एक्स वाई, एक्स वाई करना छोड़ दो, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा दिमाग हिला देते हैं। एक एक लास्ट, जल्दी करना है इसको। बात नहीं, हाँ बताओ। बस एक मिनट, जल्दी बताओ। हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीबी 60,000 की थी, एक्स और वाई की, जेड को खरीदा गया है 30,000 रुपए में, और एक्स और वाई को बेच दिया गया है कितने में, आपको किस चीज से मतलब है, डेप्रिसिएशन। टोटल आपका खर्चा कितना था 90, 80 रिकवर हो गया ना, अब काहे का चिल्लम चिल्ली ले लो ना 10,000 पर डेप्रिसिएशन। 90 में से 80 का तो पैसा मिल गया आपको, तो अब कितने का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 10,000 नई एसेट कितने की थी, 30,000, अब मान लेंगे वो नई एसेट 10,000 की है, तो डेप्रिसिएशन ले लो 10% का आधा, 180 से ज्यादा है, कम है ना। अच्छा एक अक्टूबर है, चलो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा गलती से, 30 दिन अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में, बताओ कितना हुआ, 181 आ गया, तो ये पूरा लगे है कि नहीं, पूरा 1,000, बहुत बढ़िया बाबू, दिस इज योर आंसर। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये भी, घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ये पांचों क्वेश्चन सुन लो, 12 से 13 क्वेश्चन चलेंगे इसमें सीक्वेंस में, खत्म हो जाएगा तो ही हम डेप्रिसिएशन पर महारत हासिल कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।